अस्सलामुअलैकुम। वीवो ने लॉन्च कर दिया है द वीवो V29 ई स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में, और ये स्मार्टफोन एक इंतहाई ज़्यादा शानदार डिज़ाइन के साथ आता है। एक डुअल टोन वाला डिज़ाइन ये स्मार्टफोन अपने साथ लेके आता है, जो कि डायमंड डिज़ाइन और यहाँ पर मैट फ्रॉस्टेड डिज़ाइन के साथ आता है। ये जो स्मार्टफोन रियर साइड पर डुअल रिंग में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने प्रोवाइड करता है, और उसी के नीचे बॉटम साइड पर वीवो की ब्रांड देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन का जो बैक साइड है वो ग्लास के साथ आता है, जबकि जो फ्रेम है वो आपको प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। एक राउंड फ्रेम के साथ आता है, फ्लैट फ्रेम आपको देखने को नहीं मिलेगा। 7.6 mm स्मार्टफोन का फ्रेम है, और 181 ग्राम स्मार्टफोन को जो वो वेट आपको देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन जो वो काफ़ी खूबसूरत किस्म के कलर्स के साथ आता है, एक है रेड कलर और दूसरा है ब्लू कलर, और दोनों अपने आप में काफ़ी क्लियर कलर के साथ आते हैं। एक काफ़ी खूबसूरत कम्बिनेशन, कलर्स का कम्बिनेशन काफ़ी बेहतरीन है, और जो डुअल टोन वाला डिज़ाइन है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। वीवो V29 स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले वो काफ़ी प्रीमियम डिस्प्ले दिया गया, एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले इस बार आपको स्मार्ट में देखने को मिलेगा। 6.78 इंच का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। सेंटर पंच होल कैमरा दिया गया है, कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले जैसे कि मैं बता चुका हूं, और 1319 की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको देखने को मिल जाता है, और काफ़ी कम बेजल्स और काफ़ी कंट्रोल चीन आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको मीडिया कंजम्पशन के टाइम पर आउटडोर विजिबिलिटी और कलर्स और बाकी जो विजिबिलिटी जो ब्राइटनेस है उसमें आपको कोई भी कंप्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी एक बेहतरीन और एक ऑप्टिमाइज्ड डिस्प्ले है हर एक मामले में। लेकिन यहाँ पर वीवो वाले सिर्फ इस बार प्रोसेसर में थोड़ा मार खा गए। यहाँ पर आपको काफ़ी पुराना प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 5G प्रोसेसर है और 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस्ड है, और एड्रीनो 619 का GPU आपको देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन जो है वो 8GB की रैम 128 वाला वेरियंट और 8GB रैम 256 वाला वेरियंट के साथ आता है, जो कि UFS 2.2 के स्टोर टाइप के साथ आता है। एंड्रॉयड 13 के साथ आपको फंटाजियोस 13 का लेटेस्ट वर्जन भी देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर बात की तो स्नैपड्रैगन 695 काफ़ी एक आर्डनरी प्रोसेसर है, और मैक्सिमम 40 FPS गेमिंग प्ले प्रोवाइड करेगा, और G99 के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बस G99 से आपको स्नैपड्रैगन पर लेकर आ चुके हैं, बाकी ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज इतना ज़्यादा अपग्रेड बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की बात हो तो ये स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है, और ये जो स्मार्टफोन है 1,20,000 इसकी कन्वर्जन प्राइस बनती है, और जब पाकिस्तान में आकर तो डेफिनेटली ये 1,30,000 से ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। तो क्या 1,30,000 रुपये में आप स्मार्टफोन को बाई करेंगे? डूलेट में नोइंदा के मेरे सेक्शन रही बात लाइन डेट की, तो स्मार्टफोन के लाइन डेट के बारे में मुझे कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो हालात है वो आप सबके सामने। लेकिन हाँ, मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्मार्टफोन है आपको शायद अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। वीवो V29 स्मार्टफोन के रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का दिया गया F1.9 अपर्चर के साथ विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। जबकि फ्रंट पर ये जो स्मार्टफोन है सेंटर पंच होल कैमरा में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड कर देता है F2.5 अपर्चर के साथ। कैमरा से अगर बात की जाए तो वीवो वी सीरीज़ हमेशा बेहतरीन कैमराज के साथ आता है, और इस बार भी मेरी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है, और स्मार्टफोन जो वो फुल HD प्लस पे रिकॉर्डिंग कर सके फ्रंट कैमरा से भी और रियर कैमरा से भी। अगर 4K या 2K का ऑप्शन आता है तो ये बस एक गिमिक होगा, एक्चुअल में जो प्रोसेसर है वो मैक्सिमम फुल HD प्लस पे रिकॉर्डिंग ही सपोर्ट करता है। अच्छी बात है कि वो IS है, लेकिन एक्चुअल बात यह कि जब आएगा और जब इसकी कैमरा से एक्सपीरियंस किया जाएगा तो और भी बेहतर से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि क्या ये अपनी प्राइस कैटेगरी में जस्टिफाई करेगा या नहीं करेगा। वीवो V29 स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, और साथ में 44 वाट की फास्ट चार्ज Type-C पोर्ट है, लेकिन 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं है, और ये स्मार्टफोन अभी भी सिंगल स्पीकर के साथ ही आता है। ये जो स्मार्टफोन एक बार फिर से काफ़ी कंप्रोमाइज स्पेस के साथ आता है, और जैसे कि वीवो की पहचान है कि काफ़ी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन ये प्राइस पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, काफ़ी ओवर प्राइस स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, और इस बार भी ये स्मार्टफोन कुछ ऐसा ही शायद होगा। लेकिन एनीवेज जब ये आ जाएगा तो इंशाल्लाह मैं अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।